स्टूडेंट सी एन सी आर टी एक्सरसाइज प्रॉब्लम टू पॉइंट फिफ्टी फ्रॉम पेज नंबर सेवेंटी टू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं दी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट फाइव एटी नाइन एंड फाइव एटी नाइन सिक्स नैनोमीटर कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट्स इसमें इन्होंने बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन जो है शो की है ठीक है डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे गया है ठीक है उस टाइम पे जो वेवलेंथ ऑब्जर्व हुई है दैट इज फाइव एटी नाइन नैनोमीटर ठीक है और उससे ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे गया है तब इसकी जो वेवलेंथ ऑब्जर्व हुई है 589.6 नैनोमीटर राइट तो इस केस में ये जो दो ट्रांजिशन आई हैं ठीक है इनके केस में इंडिविजुअल आपने फ्रीक्वेंसीज बतानी है दैट मीन्स कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो ट्रांजिशन हुई है ठीक है उस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है और सेकेंड ट्रांजिशन के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है दोनों आपने इस क्वेश्चन में बतानी है राइट right? और सेकेंडली एनर्जी डिफरेंस बताना है दो एक्साइटेड स्टेट्स का दैट मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूं कि ये ग्राउंड स्टेट है राइट right? सो so, इस ग्राउंड स्टेट से पहले ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे गया सो यू कैन राइट इट एज एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट ठीक है तो यहां पे जो वेवलेंथ ऑब्जर्व हुई है दैट इज 589 नैनोमीटर फिर इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे गया है ठीक है दिस इज एक्साइटेड स्टेट सेकंड सो इस टाइम पे जो वेवलेंथ ऑब्जर्व हुई है दैट इज 589.6 नैनोमीटर राइट सो ये जो दो एक्साइटेड स्टेट्स हैं इनमें एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है ये आपने बताना है इस केस में हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस आएगा ठीक है वो स्टेट वन माइनस स्टेट टू आएगा उसी से हम डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सो उससे पहले हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है सो लेमडा वन की वैल्यू कितनी है लेमडा वन इक्वल टू तो फाइव एटी नाइन नैनो मीटर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा अब यहाँ पे सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन रेज टू पार एट मीटर पर सेकेंड है राइट सो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ये हमारे पास मीटर में है लेकिन वेवलाइन जो है ये नैनोमीटर में है तो इस नैनोमीटर वाली वैल्यू को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी फाइव एटी नाइन इंटू टेन रेज टू पार नाइन मीटर आ जाएगा अब ब्रैकेट में लिख सकते हो कि एक नैनोमीटर जो है वो टेन रेस टू पार माइनस नाइन मीटर के इक्वल आता है तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो so यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी वन फाइंड आउट कर दी हूं न्यू so, वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट विल बी थ्री इंटू टेन रेज टू पार एट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लेमडा सो लेमडा वन की वैल्यू कितनी है दैट इज फाइव एटी नाइन टेन टू पार माइनस नाइन मीटर सो मीटर के साथ मीटर कैंसिल कर दोगे राइट right? सो so, अब अगर आप देखो तो थ्री जो है वो फाइव एटी नाइन से छोटा है राइट right? तो ये वाली वैल्यू जो थ्री है इसको मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा सो so, ये जो टेन रेज टू पार एट है कैन आई राइट इट एज टेन रेज टू पार थ्री प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव एट ही होगा राइट right? अब ये जो थ्री प्लस फाइव है ये पावर में आ रही है तो ये हम assume कर सकते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो ये थाउजेंड हो जाएगा राइट इन टू टेन रेज टू पावर फाइव आ गया सो वैल्यूज पुट करेंगे थ्री इन टू थाउजेंड इन टू टेन रेज टू पावर फाइव ठीक है डिवाइडेड बाई फाइव एटी नाइन आ गया ये जो टेन रेज टू पार माइनस नाइन है इसे जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये साइन चेंज कर लेगा दैट मीन्स ये प्लस का हो जाएगा, so 10 power, 9, unit, आ जाएगा सो टेन रेज टू पार नाइन और यूनिट सेकेंड इनवर्स आ गए थ्री इन टू थाउजेंड ये थ्री थाउजेंड हो गया राइट इन टू दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो आप ऐड कर दोगे फाइव प्लस नाइन हो जाएगा ये सेकेंड इनवर्स आ गया डिवाइडेड बाई फाइव एटी नाइन हो गया थ्री थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव एटी नाइन योर आंसर इज फाइव पॉइंट जीरो इनवर्स ठीक है ये हमारे पास न्यू वन दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी वन की वैल्यू आ गई अब फ्रीक्वेंसी टू फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली लेमडा टू देखते हैं दैट इज फाइव एटी नाइन पॉइंट सिक्स नैनो मीटर है राइट right? इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये फाइव एटी नाइन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइन मीटर आ जाएगा राइट न्यू टू कैसे फाइंड आउट होगा सी बाई लेमडा टू लेमडा टू की वैल्यू है सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज थ्री इंटू टेन रेज टू पार एट मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू फिक्स्ड है और आपको याद रखनी है सो न्यू टू इक्वल टू सी थ्री इंटू टेन रेज टू पार एट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लेमडा टू लेमडा टू की वैल्यू फाइव एटी नाइन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइन मीटर आ गया अब हमने पहले ही बात की है कि टेन रेज टू पार एट जो है इसे मैं थाउजेंड इंटू टेन रेज टू पार फाइव लिख सकती हूँ क्योंकि थ्री जो है वो फाइव एटी नाइन पॉइंट से छोटा है, राइट तो इसे मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि मैं स्मूथ कैलकुलेशन कर सकूं सो so, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली। डिवाइडेड बाई फाइव एटी नाइन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइन और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड था साथ में ठीक है और यहां पे मीटर है मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो गया राइट सो थ्री इंटू थाउजेंड थ्री थाउजेंड बन गया इंटू टेन रेज टू पार फाइव सो ये टेन रेज टू पार माइनस नाइन जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये साइन चेंज कर लेगा सो टेन रेज टू पार नाइन आ गया डिवाइडेड बाय फाइव एटी नाइन पॉइंट सिक्स आ गया और यूनिट हमारे पास केवल सेकंड इनवर्स आ रहे हैं थ्री थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव एटी नाइन पॉइंट सिक्स आंसर आपके पास आ रहा है into, दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो आप ऐड कर दोगे टेन रेज टू पावर फाइव प्लस नाइन और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स आ गया राइट सो न्यू टू की वैल्यू फाइव पॉइंट जीरो एट एट

e1 की वैल्यू एच न्यू वन माइनस ई टू की वैल्यू एच न्यू टू हो जाएगी राइट सो डेल्टा e इक्वल टू एच कॉमन निकाल सकते हो दैट इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट न्यू माइनस न्यू टू आ जाएगा डेल्टा e इक्वल टू एच की वैल्यू पुट करेंगे सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इन टू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड ये वैल्यू आपको याद रखनी है प्लैंक्स कॉन्सटेंट की वैल्यू फिक्स होती है सो न्यू वन की वैल्यू कितनी है दैट इज फाइव पॉइंट जीरो नाइन थ्री इंटू टेन रेज टू पार फोर्टीन सेकेंड इनवर्स माइनस न्यू टू की वैल्यू फाइव पॉइंट जीरो एट एट इंटू टेन रेज टू पार फोर्टीन सेकेंड इनवर्स आ गई राइट सो so, यहाँ पे जब भी हमारे पास पावर्स जो हैं वो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होती हैं तो वो वाली पावर हम कॉमन लेते हैं सो so, ये पावर हम कॉमन ले लेंगे राइट सो डेल्टा ई इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रेस टू पार माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड ठीक है सो फाइव पॉइंट जीरो नाइन थ्री माइनस फाइव पॉइंट जीरो एट एट आ जाएगा इंटू फोर्टीन दोनों टर्म्स में आ रही है साथ में यूनिट कॉमन ले लिए. डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ गई ठीक है तो जब आपने फाइव पॉइंट जीरो नाइन थ्री में से फाइव पॉइंट जीरो माइनस किए तो योर आंसर इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव इंटू टेन रेज टू पार फोर्टीन सेकेंड इनवर्स ये सेकेंड इनवर्स इस सेकेंड के साथ कैंसिल कर दूंगी डेल्टा ई सिक्स को जब आपने जीरो पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये थ्री थ्री वन थ्री दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो आप ऐड कर दोगे टेन रेज टू पार माइनस थर्टी प्लस फोर्टीन आ गया यूनिट हमारे पास केवल जूल आ रहे हैं सो डेल्टा ई इक्वल टू अब ये, इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग लिखना है राइट सो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट साइड पे केवल एक डिजिट होना चाहिए दैट शुड बी नॉन जीरो ठीक है? तो नॉन जीरो डिजिट के लिए ये अप टू डिजिट डिस्प्लेस करूंगी सो so, जब ये टू डिजिट डिस्प्लेस होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो पावर नेगेटिव आएगी सो इट शुड बी टेन रेज टू पावर माइनस टू इन टू

माइनस ट्वेंटी टू जूल आ रही है राइट right? सो so, इतनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट वन से एक्साइटेड स्टेट टू पे जाएगा